सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि जो भी हम लोग डेयरी प्रोडक्ट या कोई भी एनिमल प्रोडक्ट हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, जैसे दूध हो गया, दूध के बनाए प्रोडक्ट हो गए, एनिमल प्रोडक्ट में जैसे जो नॉन वेज खाया जाता है, जो एनिमल्स को खाया जाता है, तो ये सब का कारण इंडिया, हम इंडिया से शुरुआत कर रहे हैं, तो इंडिया लेवल पे किस तरीके से ट्रीट होते हैं। तो पूरे भारत में, मतलब पूरे वर्ल्ड में, भारत में सबसे ज़्यादा काउज, जो गाय होती है, सबसे ज़्यादा उनका नंबर है पूरे भारत में देखा जाए तो। बफेलोज के लिए, जो भैंसें होती हैं उनके लिए भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में ही उनके नंबर्स पाए जाते हैं। एंड अगर हम चिकन्स को देखें तो चिकन्स में भी पूरे वर्ल्ड में इंडिया 5th पोजिशन पे। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सब हम क्यों जान रहे हैं, सब हम क्यों समझ रहे हैं, हमको क्यों समझना ज़रूरी है। तो हमें ये जानना है कि इन सब का जो नंबर इतना बड़ा है उसका रीज़न क्या है बेसिकली, कि क्यों इतने नंबर, इंडिया क्यों टॉप पे है इतने सारे नंबर ऑफ काउज और बफेलोज के लिए। तो जो एनिमल एग्रीकल्चर जो होता है, एनिमल जैसे नॉर्मल एग्रीकल्चर में हम लोग खेती किसानी करते हैं, हम लोग फल अनाज उगाते हैं, एनिमल एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एनिमल्स को ब्रीड किया जाता है, मतलब उनकी पैदावार बढ़वाई जाती है, किस जिससे हम एनिमल्स का यूज़ कर सके, जो इंसान है वो एनिमल्स का यूज़ कर सके बेसिकली। तो ये कैसे कनेक्टेड है हम वो देखेंगे। तो जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा था, राइट, ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हम सबके लिए, पूरे वर्ल्ड में सबके लिए, कि वो जो शुरुआत हुई थी वो एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम करने से हुई थी। तो उसके कारण कितनी बीमारी फैली, कितने लोगों की जाने गई, कितनी हेल्थ, कितना प्रॉब्लम हुआ। और ये सिर्फ यही नहीं, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, वो आगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स जब सेल किए जाते हैं मार्केट में, तो डेफिनेटली उससे इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमी ग्रो तो करती है, हम सबको पता ही है, पर हमको ये नहीं पता है कि उससे कई ज़्यादा वो बाकी नेगेटिव चीज़ों को भी सपोर्ट कर रही है, मतलब हमारे हेल्थ को, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को। तो सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं ग्रो नहीं कर रही है, उसके साथ जो नेगेटिव चीज़ें साथ में हो रही हैं वो भी हमें इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना। हम सबसे पहले दूध की बात करते हैं। दूध भी एक एनिमल प्रोडक्ट ही है, क्योंकि वो गाय या भैंस से या बाकी जो भी एनिमल का मिल्क पीते हैं इंसान, तो वो किस तरीके से हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। तो सबसे पहले तो ये है कि गाय और भैंसों को बहुत इंजेक्शंस दिए जाते हैं उनकी दूध की क्वांटिटी, मतलब उनके दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए। तो ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड का तो नहीं, बट इंडिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हम सबको पता है, कितने ज़्यादा लोग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं बहुत अलग अलग फॉर्म में, दही में, चीज़ में, छाछ में, जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो उसका क्वांटिटी कितना ज़्यादा है नंबर्स में। तो इतनी क्वांटिटी लेके आने के लिए, इतना हमको अगर चाहिए है, बेचना है अगर मिल्क, तो ऑब्वियसली हमको उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो डेयरी इंडस्ट्री या डेयरी फार्म जो होते हैं वो लोग इंजेक्शंस देते हैं गाय या भैंसों को, जिससे उनके अंदर दूध का पैदावार बढ़ाया जा सके। तो इंजेक्शन दे दे के, हर दिन उनको इंजेक्शन दे दे के उनके दूध की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है। प्लस उसमें पस और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है, उसमें डिजीजेज, ऑब्वियसली अभी उनको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है बहुत, हर लेवल पे उनको बहुत पेन किलर और एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। तो इससे होता क्या है कि हमारी बॉडी जो होती है वो एंटीबायोटिक, ऑब्वियसली इनडायरेक्टली एंटीबायोटिक्स अगर दूध के फॉर्म में ले रही है तो हमारी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है। तो हम लोग जब एक्चुअली बीमार पड़ते हैं और हम लोग कोई दवाइयाँ लेते हैं तो हमारी बॉडी उसको रिएक्ट नहीं करती अच्छे से, क्योंकि हम लोग की बॉडी में इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमें लगता है कि हमें दूध मिल रहा है, पर दूध के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी हमारे बॉडी में जा रही हैं। तो आप खुद सोचिए कि हम लोग कितना गलत कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब हमको हमेशा से बताया गया है कि दूध एक कंप्लीट डाइट है, हमें दूध पीना चाहिए, सारी चीज़ें अच्छे से खानी चाहिए, पर दूध के साथ साथ ये सारी जो चीज़ें आती है वो कभी हमको दिखाया नहीं जाता, ना बताया जाता है कि ये सारी इंजेक्शंस और एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं उनको। अभी हम लोग अंडे की बात करें, आप लोग में से काफ़ी लोग अंडा भी खाते होंगे, तो उसमें लोगों ने बोला है कि अंडा खाने से बहुत प्रोटीन मिलता है, बहुत प्रोटीन होता है उसमें, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, फिट रहने के लिए हमें, बट ये नहीं पता कि अंडे के पीछे कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें बताई नहीं जाती है, किस तरीके से अंडा मार्केट में लेके आते हैं। तो जो पोल्ट्री फार्म्स है, जैसे हमने देखा कि डेयरी में काउज एंड बफेलोज को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, उनको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, सिमिलरली जो एग इंडस्ट्री होती है, जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, तो वहाँ पे भी उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उनको कम टाइम पे ज़्यादा अंडे प्रोड्यूस करने के लिए उनको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, जहाँ पे एक चिकन साल भर में 17 से 25 अंडे दे सकते हैं,
उनको फोर्सफुली जबरदस्ती उनको 300 से 400 अंडे देने पे मजबूर कर दिया जाता है। तो ये पूरे उनके साल भर का है जहाँ पे वो कितने ज़्यादा गुना अंडे देने पे मजबूर हो जाते हैं। प्लस जिस कंडीशन में उनको रखा जाता है, जिस केज में उनका रखा जाता है, जिस जो हालत उनकी रहती है उसी हालत में वो अंडे देते हैं, और वो जो सारी चीज़ें हैं वो हमें हमें लगता है कि अंडे में प्रोटीन मिल रहा है, पर उसके साथ जो ये सारी चीज़ें आ रही हैं वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो हमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें ये भी देखना है कि हम जो खा रहे हैं वो किस तरीके से आ रहा है, हमें जानना चाहिए कि उसकी प्रोसेस क्या रहती है। हम लोग अगर मीट का देखें तो मीट में क्या है कि जैसे मैंने बताया कि ये डेयरी फार्म और एग इंडस्ट्री से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। इसमें भी चिकन्स जो होते हैं जो पोल्ट्री फार्म्स में रहते हैं, स्लॉटर हाउस में रहते हैं, वहाँ पे उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि जो लोग चिकन खाते हैं वो हार्डली कितने 40 दिन के होते हैं। मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि 1 या 1.5 साल का कोई इंसान का बच्चा होगा, उससे आप अगर कंपेयर करें तो 40 दिन का बच्चा ही है। उसमें बड़ा किया जाता है जहाँ उनका वेट इतना बढ़ जाता है, जहाँ उनका आई वेट जितना 2 साल में होना चाहिए था वो 40 दिन में ही हो जाता है, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए, उनको ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ज़्यादा उनको बेचना है। तो उस चीज़ और ऑब्वियसली ये हम लोग जितना ज़्यादा डिमांड करेंगे उस चीज़ के कारण ये प्रैक्टिसेस फॉलो होंगी। तो जो मीट होता है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, इंसान जो कंज्यूम करते हैं, तो उसमें कितना ज़्यादा गलत चीज़ें, टॉक्सिसिटी कितनी होती है। अभी जैसे जो लोग फिश कंज्यूम करते हैं, हमें पता भी नहीं है कि जो वाटर बॉडीज़ या रिवर बॉडीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी हैं, कि इनडायरेक्टली जो फिशेज़ और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो इनडायरेक्टली ये सारी केमिकल्स को अपने अंदर लेते हैं। ऑब्वियसली वो पानी के अंदर ही खाते हैं और सांस लेते हैं, और हम लोग जब इन जानवरों को खाते हैं तो इनडायरेक्टली बहुत सारी केमिकल्स और टॉक्सिसिटी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो हमारे अंदर भी आता है। तो ये हमें आइडिया भी नहीं है कि हम लोग किस तरीके से, सिर्फ अपना मतलब हमें आइडिया है कि हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसमें इतनी सारी गलत चीज़ें भी हमारे शरीर के अंदर जा रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि सिर्फ हमारे, और ऑब्वियसली जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया, कोरोना एक COVID-19 एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो अभी चल रहा है, बर्ड फ्लू जो अभी चल रहा है और स्वाइन फ्लू जो पहले आता है, ये सारी चीज़ें एनिमल प्रोडक्ट के कारण हुई है। तो एनिमल प्रोडक्ट हम लोग कंज्यूम करेंगे तो अपनी हेल्थ को तो डैमेज कर ही रहे हैं डेफिनेटली, कितनी डेथ्स हो रही हैं, प्लस जो एनिमल्स के साथ में हो रहा है वो भी हमें ध्यान रखना है। तो ये एक पॉइंट हम आपको अभी आगे समझाएंगे कि किस तरीके से जो एनिमल्स को पैदा करवाया जाता है ज़बरदस्ती के हमारे खाने के लिए, हमारे यूज़ के लिए, वो किस तरीके से ट्रीट होते हैं। तो आप लोगों को मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी अभी 2 या 3 मिनट का, थोड़ा सा ब्रूटल है, मतलब आपको देख के थोड़ा सा तकलीफ होगा इसलिए, बट ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि जो भी एनिमल्स के साथ में हो रहा है तो उसका कारण क्या है। तो मैं आप लोगों को 2 मिनट का एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ। वैभव और हर्षिता, इनकेस अगर वीडियो का आवाज़ नहीं आता है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं प्ले कर देती हूँ वीडियो। सब वॉल्यूम बढ़ सकता है क्या थोड़ा और? ओके ओके ओके। मुर्गे मुर्गियों के साथ रखा जाता है, अधिकतर पक्षियों के पंख गिर जाते हैं और उन्हें छाले पड़ जाते हैं, पैरों में अल्सर और अन्य रोग हो जाते हैं, उनके ऊपरी शरीर को अप्राकृतिक रूप से इतना और इतनी जल्दी बढ़ने का प्रयास किया जाता है कि अक्सर उनके पैर उनका वजन नहीं उठा पाते। पीटा भारत ने मुर्गों के प्रति भयानक क्रूरता का खुलासा किया है, जिनमें जिंदा गर्म पानी में जलाना, भूखा रखना और पक्षियों के अंग भंग करना शामिल है। अंडा फार्मों पर मुर्गियों को अपना पूरा जीवन तार के पिंजरों में बिताना पड़ता है, जो इतने छोटे होते हैं कि अपने पंख भी ठीक से नहीं फैला सकते। उनकी संवेदनशील चोंच के किनारे गर्म चाकू से काटे जाते हैं, जिससे उन्हें लंबे समय तक दर्द होता है।
ले जाया जाता है जहां उन्हें पैरों के द्वारा उल्टा लटकाकर पिंजरों में ठूंस दिया जाता है। भयभीत पक्षियों का गला भोथरे चाकू से काटा जाता है और अक्सर उन्हें गर्म पानी के ड्रम में डाल दिया जाता है जबकि वे अभी चेतन अवस्था में ही होते हैं। गाय और भैंस संवेदी जानवर होते हैं जो अपने प्रियजनों से बिछड़ने पर उन्हें दुख होता है। मादा गायें और भैंसें अपने बच्चों के लिए दूध उत्पन्न करते हैं, मनुष्यों के लिए नहीं। लेकिन आज के तबीलों में जानवरों की फैक्ट्रियां जो नियमित रूप से पारिवारिक फार्मों का स्थान लेती जा रही हैं, गायों और भैंसों को सिर्फ दूध उत्पन्न करने वाली मशीन समझा जाता है। पीटा भारत के जांचकर्ताओं ने देखा कि गायों और भैंसों को पशुशालाओं में बंद करके और घुटने तक गहरे मल में खड़ा रखा जाता है। गायों और भैंसों को अस्वच्छ उपकरणों के द्वारा कृत्रिम वीर्य सेचन किया जाता है जिससे जानवर संक्रमणों और रोगों के संपर्क में आ जाते हैं। अक्सर उन्हें गैर कानूनी औषधि का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वे अधिक मात्रा में दूध उत्पादन करें और इससे उन्हें पेट में तीव्र मरोड़ होती है। बछड़ों को जन्म के थोड़े समय बाद ही उनकी माताओं से अलग कर दिया जाता है। उन्हें छोटी रस्सियों से बांधा जाता है ताकि वे अपनी माताओं तक न पहुंच सके। स्वयं को छुड़ाने की कोशिश में वे अक्सर उलझ जाते हैं और उनका दम घुट जाता है। इनमें से अनेक बछड़ों को धीमी कष्टप्रद मौत मरने के लिए गौशाला पर छोड़ दिया जाता है जबकि बाकियों को बूचर खाने भेज दिया जाता है। बच्चों की माताएं अक्सर पागलों की तरह रंभाती हैं और तब भी अपने बच्चों को खोजती हैं जबकि उन्हें मांस और चमड़े के लिए बेचा जा चुका होता है। जब माताएं और दूध उत्पन्न नहीं कर सकती तो उन्हें भी बूचर खाने भेज दिया जाता है। संवेदनशील जानवर जो अपनी पूंछ हिलाते हैं, प्यार से लोगों के शरीर से अपना थूथन रगड़ते हैं और जब उन्हें उनके सामाजिक समूह से अलग किया जाता है या कोई अजनबी उनके पास जाता है तो वे चिंतित हो जाते हैं। उन्हें अक्सर बालों से पकड़कर फेंका जाता है या कान से पकड़कर खचाखच भरी लोरियों में ठूंसा जाता है। जो जानवर इस भयावहता से बचे रह जाते हैं उन्हें आमतौर पर अन्य भयभीत जानवरों के सामने ही बूचर खानों में मार दिया जाता है। कामगार अक्सर अपने भोथरे चाकुओं का प्रयोग करते हैं कि अचेत होने के पहले जानवरों को लंबे समय तक दर्द होता रहता है। मांस, अंडे और डेयरी उत्पादों में वसा और कोलेस्ट्रॉल होता है और उनमें अक्सर कैंपिलोबैक्टर, साल्मोनेला और अन्य हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। जानवरों का सेवन करने से आपको डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जोखिम होता है और फैक्ट्री फार्म, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, सार्स और अन्य जानवरों से फैलने वाले रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने पाया कि जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, जंगलों का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक भुखमरी का मुकाबला करने के लिए शाकाहारी भोजन अपनाना जरूरी है। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए pitaindia.org पर जाएं। हर्षिता, क्या तुम एथिकल पॉइंट एक्सप्लेन करोगी स्टूडेंट्स को? तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से इन जानवरों को रखा जाता है, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो कोई चिकन क्यों ना हो, चाहे गायों के साथ जो किया जाता है, क्या हमें ये हमारे एक ग्लास के दूध के लिए इतना तकलीफ जो हम जानवर को देते हैं, क्या ये सही है? एक बार इस पर हमें विचार करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन है, जो दूध भी पीते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते है, पर काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि जब भी हम दूध पीते हैं तो उससे भी काफ़ी सारे जानवरों को तकलीफ होता है। खैर, नॉन वेजिटेरियन को तो पता ही होगा कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ खाने की ही बात नहीं है, ये हर इंडस्ट्री में होता है। चाहे हम कोई भी जानवर से आया हुआ कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें, चाहे वो लेदर हो, चाहे वो वूल हो जो शीप से आता है, चाहे हम मछली क्यों ना खाएं, हर चीज़ में जानवर को तकलीफ होता है। और ये बस एक छोटी सी बात है कि जो चीज़ हमारे सेहत के लिए अच्छी है भी नहीं, जो चीज़ एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी नहीं है, तो क्यों हम उस चीज़ को इनक्रेज करें? क्यों एक ग्लास दूध के लिए क्या ये ज़रूरी है कि हम इन जानवर को इतना तकलीफ दें? और रही बात इतनी तकलीफ की, तो हम इनको इतना तकलीफ देकर जो हम खाते हैं वो सब हमारे सो विचारों को भी प्रेरित करता है, हमारे विचारों पर असर करता है ये सब जो भी हम खाते हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आप एक बार सोचें, क्योंकि हम इंसानों को अगर एक छोटी सी सुई भी लग जाती है तो हमें कितना दर्द होता है। आप सोचिए कि जानवरों के साथ वहाँ पर इंडस्ट्री में जो हो रहा है उससे उन्हें कितना तकलीफ होता है।
किसी को कोई सवाल है इससे रिलेटेड? बिल्कुल, सो हम क्वेश्चन आंसर्स एंड में लेंगे, एंड में रखे हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वैभवी, एक टर्म आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे जो थोड़ा आप रिलेट कर पाएंगे कि क्या हम लोग बात कर रहे हैं। सो वैभवी, मैं आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड ऑन कर देती हूँ। क्या आया प्लीज? Can you see me? We can see you. Yeah. So, which language is comfortable? Hindi or Marathi? Like, Marathi is fine. हाँ, Hindi Marathi, Hindi में बोलोगे तो भी चलेगा। Okay. So, ये जो एक term है, ये आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। इसको हम speciesism बोलते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ जिसकी हेल्प से आप समझ पाएंगे कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो आपने रेसिज्म तो सुना ही होगा। रेसिज्म मतलब जस्ट बिकॉज आप किसी पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करते हो इसीलिए आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो वैसे ही, और आपने सेक्सिज्म भी सुना होगा कि जो भेदभाव होते हैं स्त्री और पुरुष में, तो उसको सेक्सिज्म बोलते हैं। तो आपको अब शायद थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि स्पीशीसिज्म मतलब क्या होता है। तो स्पीशीसिज्म इज प्रजातिवाद, मुझे पता नहीं है हिंदी वर्ड है कि नहीं, बट मराठी में उसको बोलते हैं प्रजातिवाद। मतलब जस्ट बिकॉज कैट्स और डॉग्स पेट एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग जो होते हैं वो कैट्स और डॉग्स को एज पेट्स घर पे रखते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं और उनको एकदम फैमिली मेंबर जैसा ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन ये जो फार्म एनिमल्स है, फार्म एनिमल्स मतलब गाय, भैंस, बकरी, हेन, पिग्स, तो ये फार्म एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए उनको हम इंग्रेडिएंट समझते हैं कि ये फार्म एनिमल्स है, ये हमारे लिए ही पैदा हुए हैं और आके आखिरी में वो हमारे प्लेट पे आएंगे और हमको उन्हें खाना है। तो इसको बोलते हैं स्पीशीसिज्म मतलब प्रजातिवाद, कि जस्ट बिकॉज कैट्स और जो डॉग्स है जो पेट एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं इसीलिए हम उनको प्यार करते हैं, और जो ये बाकी जानवर है जो फार्म एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं तो इनको हम बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और हम उनको एज अ फूड और एज इंग्रेडिएंट्स ट्रीट करते हैं। तो इसको बोलते हैं स्पीशीसिज्म। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब जानवर एक समान है, सबको जीने का हक है और सब जानवरों को फीलिंग्स होती है, कोई फर्क नहीं है कैट्स, डॉग्स, पिग्स, काउस, गोट, शीप, इन सब जानवरों में कोई फर्क नहीं है, सबको फीलिंग्स है, सबको डर लगता है, सबको प्यार की फीलिंग्स आती है, बाद में सबको सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो हमें भी होता है उन्हें भी होता है, जिसकी वजह से उनको फीलिंग्स आती है या कोई पेन फील होता है, फियर, ये सब फीलिंग्स आती है उनको। तो अगर इन सब में कोई डिफरेंस नहीं है तो हम क्यों उनको फार्म एनिमल्स और पेट एनिमल्स ऐसे कैटेगराइज करते हैं और इनसे प्यार करते हैं लेकिन इनको खाते हैं? तो इसी को बोलते हैं स्पीशीसिज्म यानी प्रजातिवाद, और ये हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि सबको जीने का हक है, एकदम समान हक है। तो Asta, are we done or like do you have a Q&A session after this? Yeah, so abhi thoda sa presentation aur baki hai, fir hum end mein Q&A okay. section rakhte hain. Haan. Thank you so much, Debbie. Yeah, no problem. तो अभी तक जैसे हमने बात की एनिमल्स के बारे में कि जो भी एनिमल एग्रीकल्चर में जो एनिमल्स के साथ में ट्रीट किया जाता है एनिमल्स को, तो जो एनिमल्स हम लोग कंज्यूम करते हैं उससे किस तरीके से एनिमल्स को तो तकलीफ पहुंचती है, प्लस हमें अपने खुद के हेल्थ में कितनी हम लोग तकलीफ पहुंचा रहे हैं, हमारे बॉडी को हम डैमेज कर रहे हैं, ये सारी गलत चीज़ें कंज्यूम करते हैं। तो ये दोनों अलग प्रोस्पेक्टिव थे। अभी हम पर्यावरण के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से एनिमल एग्रीकल्चर जो होता है वो हमारे प्लैनेट को नुकसान पहुंचा रहा है। सो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगी। हम लोगों को हमेशा से बचपन से सिखाया जाता है कि पानी ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्रश कर रहे हैं, अगर आप नहा रहे हैं तो आप नल बंद
करिए ब्रश करते टाइम, या पानी अब कम, मतलब लिमिटेड जितना आपको पानी चाहिए उतने पानी से नहाया, जो भी ओवरऑल नेचुरल रिसोर्सेज आपको कम यूज करना चाहिए. पर क्या हमें ये, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिससे हम काफ़ी सारे चेंजेस ला सकते हैं, बट क्या हमें पता है कि इससे कई ज़्यादा बड़े लेवल पे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हैं, अपने प्लैनेट को बर्बाद कर रहे हैं. सो पूरे वर्ल्ड में आप सबको इंसानों की पॉपुलेशन पता है कि कितनी है, अराउंड 8 बिलियन. पर पूरे पूरे धरती पे जो फार्म्ड एनिमल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैं पानी के जीवों की बात नहीं कर रही हूँ या उड़ने वाले जीवों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अभी बात कर रही हूँ जो धरती पे रहने वाले जीव हैं, फार्म्ड एनिमल्स जो होते हैं, तो उनकी संख्या हम इंसानों की संख्या से कई ज़्यादा है, मतलब 10 गुना से भी कई ज़्यादा गुना ज़्यादा है. तो इतने जानवर जो हैं वो किस तरीके से इस धरती पे आए हैं, तो उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली लाया गया है इस धरती पे, क्योंकि जितने ज़्यादा हम लोग पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी, इतना हम लोग डिमांड करते हैं खाने के लिए कि हमको एनिमल प्रोडक्ट चाहिए, हमको दूध या दूध से बनी चीज़ें चाहिए, हमको नॉन वेज चाहिए, या जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं एनिमल से आने वाली चीज़ों को, तो हम लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं. तो वो डिमांड को पूरा करने के लिए वो जानवरों को और पैदा करवाया जाता है ज़्यादा नंबर्स में, और इतने जानवरों को खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो 8 बिलियन जो इंसान है इस धरती पे, उससे कई ज़्यादा खाना और पानी इन जानवरों को लगता है. तो उनके रहने के लिए जगह चाहिए, उसके लिए बड़े बड़े जंगलों को काट दिया जाता है. अगर आप न्यूज़ देखते होंगे, आपने अगर सुना होगा कि 1-2 साल पहले अमेजोन जो फॉरेस्ट फायर हुआ था, तो वो इसलिए ही बेसिकली कि वहाँ पे एक्चुअली जानवरों को रखा जा सके, वहाँ पे एनिमल एग्रीकल्चर किया जा सके. तो हम खुद जानते हैं कि आज के डेट पे हमें फॉरेस्ट की कितनी ज़रूरत है. क्लाइमेट चेंज आ रहा है, अगर हम लोग इसी तरीके से जंगलों को काटेंगे तो हमारा ऑब्वियसली प्लैनेट, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो हमारा प्लैनेट डिस्ट्रॉय होगा. तो हम लोग अपने भी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि हम लोग अपने खाने के लिए, जानवरों को रखने के लिए बड़े बड़े जंगलों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. प्लस जो गंदगी होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो सीधा हमारे लैंड और रिवर वाटर बॉडीज में जाता है. जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है वो इतने लेवल पे होती है, जैसे आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने स्कूल के टाइम पे पढ़ा होगा कि मीथेन गैस बहुत ही हार्मफुल गैस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से कई ज़्यादा हार्मफुल रहती है. तो इतने एनिमल्स के तरफ से जो मीथेन गैस निकलती है वो डायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट में जाती है. तो इससे हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने का हमको रिजल्ट अपने सामने ही दिख रहा है कि क्लाइमेट चेंज कैसे आया है. तो ये सारी चीज़ें कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमको समझना बहुत ज़रूरी है. कि हमने घर बैठ के समझ लीजिए एक गिलास दूध पिया, या एक प्लेट चिकन खाया, या कोई भी एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम किया, तो वो चीज़ के लिए हम सपोर्ट करते हैं और वो डिमांड बढ़ाते हैं. और वो डिमांड बढ़ाने के लिए वो एनिमल्स को पैदा करवाते हैं, वो एनिमल्स को रखने के लिए जंगलों को काटा जाता है, वो एनिमल्स को खाना देने के लिए, उनके खाना उगाने के लिए जंगलों को काटा जाता है, और कितना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट किया जाता है इन एनिमल्स के ऊपर. तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि छोटे से हमारे डिसीजन से, हम लोग सुबह नाश्ते में, दिन के खाने में, शाम के नाश्ते में, रात के खाने में, हम लोग जो भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे उस डिसीजन से कितने बड़े बड़े लेवल पर हम लोग नुकसान हमारे कारण हो रहा है. हमारी हेल्थ को तो हो ही रहा है, प्लस एनिमल्स को इतनी तकलीफ हो रही है, एंड जो मतलब पर्यावरण का हम लोग नुकसान देख रहे हैं वो तो हो ही रहा है. तो अगर हम अपने तरफ से छोटे मोटे चेंजेस करके अगर हम जानवरों को बचा सकते हैं, हमको एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर हमको किसी ने बोला कि सॉरी, आपके सामने अगर कोई कुत्ते को मार रहा होगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप उस इंसान को जाके रोकोगे, बोलोगे कि ये गलत है? तो वही हमको समझना ज़रूरी है कि वो हमारे सामने हो रहा है इसलिए हमने जाके रोका, बट कितने ही करोड़ों जानवर हैं जिनको हमारे कारण हमारे पीठ पीछे तकलीफ पहुंचती है. उनको खाने, उनको जिस तरीके से रखा जाता है, उनको तरीके से खाना पानी नहीं मिलता, उनको धूप नहीं मिलती है, कितना टॉर्चर किया जाता है. तो हमको बस इतना समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ हमारे कारण हो रही है. तो अगर हम अपने तरफ से थोड़ा बहुत डिसीजन चेंज करके, थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके, अगर हम थोड़ा भी पॉजिटिव चीज़ें ला सकते हैं, तो क्यों, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं. तो मैं आगे आपको समझाती इस बारे में. सो जैसे आप लोगों ने वेजिटेरियन सुना होगा, आप लोगों ने नॉन वेजिटेरियन सुना होगा, वीगन हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना ही हो. तो वीगन मतलब होता है शुद्ध शाकाहारी. शुद्ध शाकाहारी मतलब कि जानवरों से आने वाली कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है, कंज्यूम नहीं करना है, या यूज़ नहीं करना. जैसे जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो सारी चीज़ें खाते हैं, जो वेजिटेरियंस होते हैं वो अंडा या नॉन वेज नहीं खाते हैं, बट दूध या दूध से बनी चीज़ें ज़रूर कंज्यूम करते हैं. वीगन ऐसा इंसान होता है जो ना नॉन वेज खाता है, ना दूध से बनी चीज़ें, ना कोई जो जानवर से आने वाली चीज़ें उसको यूज़ करता है या खाता है.
तो ये बहुत कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि बचपन से हम लोगों ने ये सब खाया है तो हम ऐसा खाना नहीं छोड़ सकते, बहुत मुश्किल है हमारे लिए, हम लोग हर दिन दूध पीते हैं, हम लोग हर दिन दूध से बनी चीजें कंज्यूम करते हैं, तो हमारे लिए मुश्किल है। तो बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोग को लग रहा होगा कि क्यों हम लोग अचानक से ऐसे छोड़े ये सब खाना पीना। तो एक चीज आप लोगों को समझनी बहुत जरूरी है कि अगर आपको जो भी हमने दिखाया या जो भी आपको हमने समझाया धरती के बारे में, प्लैनेट के बारे में, हमारे पर्यावरण के बारे में, जो एनिमल्स के साथ टॉर्चर होता है और हमारी हेल्थ पे जो नुकसान हो रहा है, इन ये सब अगर गलत है तो हम अपने तरफ से अगर कोशिश करें कि हम एटलीस्ट कम करने से शुरुआत करेंगे, जिसमें हमारी ऐसी लाइफस्टाइल होगी कि हम किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हमारी हेल्थ को भी हम थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करें, और सबसे इम्पोर्टेंट कि एनवायरनमेंट, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं अगर वो ही अच्छा नहीं होगा तो हम किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे आगे जाके, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है ऑलरेडी प्लानट की। तो हम अपने तरफ से अगर शुरुआत भी करें कि हमने सोचा कि चले ठीक है आज मुझे कुछ पता चला, मुझे कम करने से शुरुआत करनी ही चाहिए बिल्कुल, तो ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग खाएंगे क्या अगर हम लोग एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करेंगे, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके जो फोटो दिख रही होगी, ये जो डेली की चीज़ें हैं या इससे कई ज़्यादा कितनी सारी चीज़ें जो हम लोग रोज़ खाते पीते हैं, तो वो वैसे भी जानवरों से नहीं आती है। अब देखा जाए तो हम लोग साउथ इंडियन खाना जो खाते हैं, या हम लोग पास्ता खाते हैं, या छोले भटूरे खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, हमको थोड़ा सा अपना डिसीजन जो है लेते टाइम हमको सोचना है कि उसमें बस दूध से बनी क्या होती है चीज़ें, चीज़ होता है, बटर होता है, घी होता है, हम ये सब को अवॉइड करें। हम लोग डोसा ले रहे हैं बिना बटर का डोसा लें, या फिर हम लोग ऐसी कुछ चीज़ ले रहे हैं जिसमें एनिमल प्रोडक्ट है, तो हम उनको मना कर सकते हैं कि आप ये मत दो। ऐसा नहीं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है खाने के लिए, हमारे पास कितने ही ऑप्शन हैं जो हम लोग हर दिन कंज्यूम करते हैं, ऑलरेडी हम लोग कंज्यूम करते हैं जो एनिमल्स के थ्रू नहीं आती है, जो पौधों से बनी आती है। अगर हम रोज़ प्रॉपर अपना जो डाइट हमारे हेल्थ के हिसाब से हमको जितना ज़रूरी है वो हम खा रहे हैं, तो हमको एनिमल्स को ना तकलीफ पहुंचाने की ज़रूरत है उसमें, ना हमें ऐसी कुछ ज़रूरत है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो आप लोग सबके मन में डाउट होगा कि जो अंडे से प्रोटीन मिलता है, नॉन वेज से प्रोटीन मिलता है, दूध से कैल्शियम मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे इस फोटो में जो देख सकते हैं, हमने एक इमेज बनाई, इनफैक्ट आप ये खुद भी गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि प्रोटीन के लिए हमको सिर्फ अंडा या नॉनवेज ही लेना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे पास कितने ऑप्शन है, हमारे पास राजमा है, हमारे पास छोले, हमारे पास कितने सारे टाइप के बीन्स और लेंटल्स होते हैं जिसमें इतना प्रोटीन रहता है, सोया चंक्स होते हैं। आयरन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे सीड्स हैं, आलमंड्स एंड नट्स हैं जो हम लोग कंज्यूम करके अपनी आयरन की उसको फुलफिल कर सकते हैं रिक्वायरमेंट को। आप कैल्शियम के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऑरेंज जूस है, जो रेडिश के लीव्स होते हैं, जो मूली बोली जाती है और फिक्स होते हैं, तो इतने अपने पास ऑप्शंस हैं कि हम लोग एक्चुअली डेली बेसिस पे हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोग दाल सब्जी रोटी सारी चीज़ें हम लोग डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। तो हमको ऐसे अपने कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट ही खाना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और जैसे आप देख सकते हैं कि विटामिन B12, आपने अगर सुना होगा विटामिन B12 के बारे में आपको जानकारी होगी, तो जो B12 होता है हर इंसान बॉडी के इंसान ह्यूमन के बॉडी में जो आता है वो बेसिकली B12 एक बैक्टीरिया रहता है जो सॉइल से क्रिएट होता है। तो किसी एनिमल प्रोडक्ट में होता नहीं है, उसमें एनिमल प्रोडक्ट्स में इंजेक्ट किया जाता है, ऐड किया जाता है इसलिए, बट हमारे पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं विटामिन B12 के, तो हमको उसके लिए भी किसी एनिमल प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। अभी आप हेल्थ वाइज देखेंगे तो आप यहाँ पे खुद भी पढ़ सकते हैं कि अगर आप एनिमल प्रोडक्ट बंद करते हैं, कम करते हैं, तो आपके खुद ही बॉडी में कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखेंगे। जो बीमारियां आपको यहाँ पे दिख रहा है, डायबिटीज जैसे, ये सब कितने कितने रिस्क कम होंगे आपकी बॉडी में ये सब बीमारियां होने के। आपको खुद पता है कि आज के डेट पे इंडिया में कितने सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, तो ये होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप एनिमल प्रोडक्ट कम करेंगे खाना। तो अगर एनिमल प्रोडक्ट कम करेंगे तो कितना प्लैनेट के हिसाब से, आप पहली बात तो ग्रीन हाउस गैस जो होती है उसको कम करेंगे, कितना पानी बचाएंगे, कितना नेचुरल रिसोर्सेज सेव करेंगे, डिफॉरेस्टेशन जंगलों को कटने से बचाएंगे, जलाने से बचाएंगे आप, प्लस वर्ल्ड हंगर जैसे एक पॉइंट मैंने आपको समझाया नहीं है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि आज के डेट पे पूरे दुनिया में अराउंड 8 बिलियन इंसानों की पॉपुलेशन है, और उससे कई ज़्यादा पॉपुलेशन एनिमल्स की है हमारे धरती पे। तो वर्ल्ड हंगर किस तरीके से आता है, जो भुखमरी हम लोग बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में भुखमरी हो रही है, कितने सारे लोगों को खाना पानी नहीं मिलता, बिना खाना पानी लिए वो हर दिन सोते हैं,
तो इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हम लोग जितना भी खाना और पानी वो पूरा डाइवर्ट होता जा रहा है उन एनिमल्स के ऊपर जिनको हम लोग आर्टिफिशली लेके आते हैं इस धरती पे, वो नेचुरल तरीके से तो इतने एनिमल्स आना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग जो आर्टिफिशली इस इतने एनिमल्स को लेके आ रहे हैं तो वो पूरा खाना और पानी डाइवर्ट होता जा रहा है उनके तरफ। तो आप खुद एक क्वेश्चन करिए अपने दिमाग में कि जहाँ हम अराउंड 80 बिलियन जानवरों को खाना और पानी दे सकते हैं, तो वहीं के हम 8 बिलियन इंसानों को खाना नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया कि आज के डेट पे अवेलेबल भी है पूरे धरती पे, अगर हम लोग एनिमल प्रोडक्ट ना खा के अगर हम लोग डायरेक्टली प्लांट, हम लोग जो हमारे सब्जियां फल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पौधों से आती हैं अगर हम वो खाएं, तो उसमें हम लोग जानवरों को भी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, हमारे प्लैनेट में जो वर्ल्ड हंगर हो रहा है वो भी थोड़ा थोड़ा करके कम होता जाएगा। प्लस जानवरों को तो आप इसमें बचाएंगे, जैसे मैंने बताया कि जो उनके ऊपर सफरिंग जो उनको तकलीफ पहुंच रही है वो नहीं होगा। एनिमल राइट्स जो बोला जाता है, जैसे वैभवी ने बताया था कि और हर्षिता ने एक्सप्लेन किया था कि उनको भी उतनी ही तकलीफ होती है जिस तरीके से हम इंसानों को होती है, जब बाकी जानवरों को होती है उनको भी उतना ही हक है, तो हम उनके हक के लिए उनकी राइट को रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर अपने तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश करके एनिमल प्रोडक्ट को नहीं कंज्यूम करके, कम कंज्यूम करके, और धीरे धीरे, देखिए मैं समझ सकती हूँ कि एक दिन में आप लोगों को ये सब खाना पीना नहीं छूटेगा, कोई बात नहीं, प्लीज कम करने से शुरुआत कीजिए, वो भी बहुत बड़ा डिसीजन होगा आप लोगों की तरफ से। तो जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को दो तीन सेलिब्रिटीज के बारे में बताऊंगी। कुंडल जोशी, हो सकता है आपने सुना भी हो उनके बारे में, वो एक ऐसे इंसान है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं, और वो बहुत सालों से, इनफैक्ट मोर देन 20 ईयर्स, 20 साल से वो एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं। वही बताना चाहते हैं कि आप बिना जानवरों के तरफ से आए खाने को, भोजन को नहीं खा के भी आप हेल्दी रह सकते हैं। और आप खुद सोचिए, माउंट एवरेस्ट चढ़ना कोई इजी टास्क नहीं होता है कि आज हमने सुबह उठ के सोचा कि हम माउंट एवरेस्ट चढ़ने जाएंगे, कल तो पॉसिबल नहीं, उसके लिए बहुत एक्सरसाइज, बहुत प्रैक्टिस, बहुत ट्रेनिंग लगती है। तो कुंतल सर यही बताना चाहते हैं कि आप बिना जानवरों से आए प्रोडक्ट को खा के भी आप हेल्दी रह सकते हैं, पौधों से बनी चीज़ें खा के भी फिट रह सकते हैं, और माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकते हैं। उनका एग्जाम्पल है बताने का, वॉकिंग फिनिक्स, अगर आपने जोकर मूवी देखी होगी तो उसमें जो लीड रोल था वॉकिंग फिनिक्स का, वो भी खुद ऐसे इंसान है जो बचपन से आज तक उन्होंने एनिमल प्रोडक्ट, ना अंडा, ना दूध, ना जानवरों से आने वाली कोई भी चीज़ नहीं खाई है। तो वो भी यही बताते हैं सबको कि ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, आप चाहे तो आप कर सकते हैं। अमला एकनेनी जो है वो एक साउथ की बहुत फेमस एक्ट्रेस है, वो भी लोगों को अवेयर करती है इसके बारे में कि किस तरीके से आप अपने तरफ से थोड़े बहुत अपने लाइफ में चेंजेस ला के जानवरों को, अपने हेल्थ को और एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो जब आप लोगों ने रजिस्टर किया होगा इस वेबिनार के लिए, तो 10 वीक्स टू वीगन एक आपने पढ़ा होगा कि ऐसा कुछ हमारे इंफॉर्मेशन सीरीज है, तो इसमें हम लोग अपने तरफ से, जैसे आप आज हमने आपको प्रेजेंटेशन दिया, आप लोगों को पूरा इसके बारे में बताया, अभी भी आप लोगों को हो सकता है बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे क्वेरीज होंगे, तो इसलिए हमने ये 10 वीक्स टू वीगन प्रोग्राम भी बनाया है। इसमें आपको हर हफ्ते हम लोग एक एक मेल भेजेंगे, इस मेल में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी हेल्थ, अभी जैसे आप लोगों को जो क्वेश्चंस है वो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं हमसे, पर उसके अलावा भी हो सकते हैं कि आपको काफ़ी सारे दिमाग में क्वेश्चंस होंगे कि हमारे हेल्थ में कैसे चेंजेस आएंगे अगर हम एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, तो या फिर हम कैसे न्यूट्रिशन हम अपने रिक्वायरमेंट फुलफिल, ऐसे बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन होंगे। तो ये 10 वीक्स के प्रोग्राम में आपको हर हफ्ते हम लोग एक एक मेल भेजेंगे, आपको बस 5 मिनट अपना टाइम निकाल के वो पढ़ना है, आपके काफ़ी सारे डाउट्स इसमें क्लियर होते जाएंगे। तो आप लोगों को ऑलरेडी इसमें रजिस्टर किया हुआ है, इसके लिए हम लोग आपको सर्टिफिकेट भी देने वाले हैं 10 वीक्स के प्रोग्राम के लिए। आपको बस एक ही काम करना है कि आपको जो भी मेल आएगा सारे ओपन करके पढ़ने हैं, जो भी सर्वेज आएंगे वो आपको ओपन करके फिल करना है, तो आपको सर्टिफिकेट उसके बाद में ही आपके मेल पर पहुंच जाएगा। एंड इनफैक्ट हम लोग एवरी डे अलग अलग अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बहुत सारे हम लोग शेयर करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन, जिससे आप लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता जाए, आपको हर दिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। इनफैक्ट ये वेबिनार के बाद में आप लोग खुद भी गूगल पे बहुत डिटेल में सर्च कर सकते हैं वीगनिज्म क्या है, वीगन क्या होता है, एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी आप जानकारी खुद भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से इतना बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने ओपन माइंड के साथ सुना, प्लीज़ अभी क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं, जो Q&A सेक्शन है या चैट बॉक्स है वहाँ पे अपने प्लीज़ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों हमें एनिमल प्रोडक्ट छोड़ना है। वैसे तो हमने अपने प्रेजेंटेशन में आपको समझाया, बट स्टिल अगर आप
कोई डाउट है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में या Q&A सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, तो हम लोग अपने तरफ से अभी जितना हो सके आपको आंसर करने का ट्राई करेंगे। तो सचिन एक बार आप चेक कर सकते हैं अगर किसी के क्वेश्चंस हैं चैट बॉक्स में या Q&A में, तो हम लोग अपनी तरफ से आंसर कर लेंगे फिर। या मैम नो मैम नो क्वेश्चंस। आस्था आई गेस देयर्स वन क्वेश्चन बाय दिस पर्सन कुणाल दुबे दैट ही सेइंग मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ निर्णय लेना चाहिए, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, दैट इज दिस क्वेश्चन। ओके ओके राइट राइट ओके तो तुम आंसर करना चाहोगे वेबली या फिर मैं आंसर करूं इसके बारे में? आई कैन आंसर एंड मेबी यू कैन जॉइन। So, Kunal, I agree that the government has to take the initiative, but ये तब होगा जब हम लोग demand करेंगे vegan products के लिए, और जितने ज़्यादा vegans बढ़ेंगे उतना government को समझ में आएगा कि हाँ इतने सारे vegans हैं, इतना सारा demand है, तो वो जाके कुछ initiative लेंगे। अगर हम बहुत कम लोग हैं vegans और हम जाके government को बोलेंगे कि ऐसे ऐसे हो रहा है आप कुछ करो, तो कम लोग होने की वजह से वो हमको इतना एंटरटेन नहीं करेंगे। तो हमको ज्यादा वीगन्स बनाने हैं, हमको डिमांड बढ़ाना है फॉर वीगन प्रोडक्ट्स, तभी जाके ये पॉसिबल होगा। या आई एम डन आंसरिंग। आई एम नॉट एबल टू हियर यू आस्था, आई गेस दैट्स सम इशू फ्रॉम योर साइड। मैम प्रतीक्षा मिश्रा पूछ रहे हैं मैम फ्रूट्स में भी मिलावट होता है मैम? सो प्रतीक्षा देखिए, जैसे हमने अभी आपको बताया कि किस तरीके से एनिमल्स के साथ में जो तकलीफ पहुंच रही है, जो इनको इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, अभी मैं आपको एक पॉइंट के बेसिस पे समझाती हूँ। सो होता क्या है कि हमारी जितनी ज्यादा डिमांड जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उस चीज की सप्लाई ज्यादा करना जरूरी होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग अगर प्लांट बेस्ड चीज़ों की, पौधों से बनी चीज़ों की डिमांड बढ़ाएंगे। अभी देखिए जो पेस्टिसाइड्स और ये सब है, ठीक है, हम सबको पता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन क्या है कि हम ऑर्गेनिक की तरफ ऑब्वियसली जा सकते हैं। बट वो क्या रहा है कि जिस लैंड पे हम लोग पूरे धरती पे, हम पूरे वर्ल्ड की बात ना करें, अगर इंडिया की बात करें, तो हम लोग का जो लैंड है जहाँ पे हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उगा सकते हैं या हम लोग ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग एनिमल्स के लिए, एनिमल्स को रखने के लिए पूरा क्लियर आउट कर देते रहें। तो हमारे पास अगर इतना इनफ लैंड होगा जहाँ पे हम डिमांड जितने, अगर हम लोग वेजिटेबल्स की डिमांड बढ़ाएंगे, फ्रूट्स की डिमांड बढ़ाएंगे, प्लांट बेस्ड चीज़ों की डिमांड बढ़ाएंगे, तो उसके लिए उनको लॉस नहीं होगा क्योंकि हम उस चीज़ की डिमांड बढ़ा रहे हैं। अभी वो कह रहा है कि डिमांड शिफ्ट होती जा रही है एनिमल प्रोडक्ट्स में, तो उनको अपना बेचने के लिए सामान ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें यूज़ करना पड़ रहा है, पेस्टिसाइड्स हम लोग ज़्यादा रेट में बिक सके। तो हम लोग ये चीज़ धीरे धीरे हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड कि एक दिन में नहीं बदलने वाला है, बट ये धीरे धीरे करके बदलाव आएगा। अगर हम धीरे धीरे करके पौधों से बनी चीज़ों की डिमांड बढ़ाते जाएंगे तो उसमें हमको बेटर क्वालिटी मिलती जाएगी, क्योंकि वो डिमांड एनिमल्स की तरफ कम होने लगेगी और हमारे पास ज़्यादा लैंड रहेगा वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए, अच्छे वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए। अगर डिमांड ही नहीं है तो उनको बेचने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स तो यूज़ करने ही पड़ते हैं। तो हमको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि अपने तरफ से ये कोई ये एक रिवोल्यूशन है कि जो एक दिन में नहीं आ सकता बेसिकली। हमको ये समझना है कि भले ही धीरे धीरे करके, बट हमको एक पहला स्टेप तो अपने तरफ से लेना बहुत ज़रूरी है कि हम आज के डेट पे, अगर एक इंसान, मैं ये समझ सकती हूँ कि एक इंसान पूरी दुनिया को नहीं बदल सकता, बट एक इंसान अगर खुद बदलेगा, अपने आसपास के लोगों को बदलेगा और सोसाइटी चेंज होगी, कंट्री चेंज होगी, ऐसे चेंज आते हैं धीरे धीरे करके। तो हमें अपने तरफ से ये स्टेप तो थोड़ा बहुत लेना ही पड़ेगा। एंड एनी वेज अभी अगर एनिमल प्रोडक्ट खा रहे हैं तो उसमें भी इतने सारे पेस्टिसाइड्स है ही हैं, यहाँ पे हम लोग अगर वेजिटेबल्स खा रहे हैं उसमें भी पेस्टिसाइड्स है, तो वो एक पर्सनल चॉइस है कि आप ऑर्गेनिक चूज कर सकते हैं, बट एटलीस्ट उस चीज़ में हम किसी एनिमल को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, उसमें एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये हमें रिलेट करके देखना पड़ेगा कि हमारे खुद के लिए क्या बेटर है, एनिमल्स के लिए क्या बेटर है और एनवायरनमेंट के लिए क्या बेटर है। सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, आपको अगर समझा होगा तो। हाँ बेबी, शुड आई आंसर, देयर आर अ फ्यू मोर क्वेश्चंस, शुड आई स्टार्ट आंसरिंग?
तो देयर इज अ क्वेश्चन बाय शैलेंद्र सिंह कि सो यू वांट टू गिव अप डेयरी प्रोडक्ट्स, दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग राइट मैम. जैसे हम मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट या डेली रूटीन की चीजें जैसे टी कॉफी, तो मैम हम इससे छोड़ने के लिए ओके. तो आपको इसका मतलब है आप अल्टरनेटिव्स पूछ रहे हो कि अगर गाय का दूध नहीं तो हम कौन सा दूध पी सकते हैं. तो हमें तो उल्टा वैरायटी मिल जाता है. अगर हम गाय का दूध बंद करेंगे तो हमें बहुत सारे दूध का वैरायटी मिल जाता है. जैसे आप आलमंड का मिल्क बना सकते हो, कैश्यूज का मिल्क बना सकते हो, मूंगफली का दूध बना सकते हो. आपको कुछ नहीं करना है, बस वो जो नट्स है या फिर पीनट और आलमंड कुछ भी है उसको मिक्सर में डालो पानी के साथ, और फिर उसको मिक्सर में घुमाओ, और उसके बाद किसी भी कपड़े में लेके स्ट्रेन करो तो उसमें से दूध आ जाता है. तो आपको तो बहुत वैरायटी मिल जाएगा, आप किसी भी नट का मिल्क बना सकते हो. बहुत सारे हेजल नट, कैश्यू नट, आलमंड, सॉय, पीनट्स, तो या तो आप वो यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब उससे आप चीज बना सकते हो, बटर, पनीर, दही, ये भी सब बना सकते हो क्योंकि वो भी दूध ही है. बस फर्क इतना है कि वो प्लांट्स का, प्लांट्स से आता है, तो उससे भी आप ये सब चीजें बना सकते हो. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी. शैलेंद्र का जो सवाल है ना, सो देखिए आपने पूछा है कि ये जो टी कॉफी है, आप ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी भी ले सकते हो क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होता है. अगर आप रिसर्च देखोगे तो ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी इज मच बेटर देन कोई दूध आप मिला के लो. दूध तो आप ले ही सकते हो अल्टरनेटिव, बट अगर आप ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी लेंगे तो आपको वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा एंड आपके हेल्थ के लिए भी बेटर होगा. तो बेसिकली हमारा पॉइंट ये है आप लोगों को समझाने का कि अगर आप दूध की चीज़ें छोड़ते हैं या एनिमल प्रोडक्ट कोई और छोड़ते हैं तो आपके पास ऐसा नहीं कि आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है टेस्ट के साथ में, क्योंकि ऑप्शंस बहुत है हमारे पास में. आज तक हमने कभी नारियल के दूध के बारे में सोचा नहीं होगा पीने का, बट वो इतना ईजी रहता है और टेस्ट भी आपको सिमिलर रहेगा. जैसे बहुत सारे आप, इनफैक्ट हम लोग जो 10 वीक का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसी बारे में देंगे कि आप क्या रेसिपीज बना सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको इजीली घर पे, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट से ही लेके आना, आप घर पे भी इजीली ये सारी चीज़ें बना सकते हैं. तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जो हमको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो, क्योंकि हमको आदत रहती है कि हम मार्केट से जाके सीधा दूध का पैकेट लेके आ जाते हैं या डेली जाके दूध लेके आ जाते हैं. तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लगेगा क्योंकि थोड़ा सा लाइफ स्टाइल आपका चेंज होगा, बट एक बार हैबिट होगी कुछ डेज के बाद में तो इतना डिफिकल्ट नहीं है. एंड फैट आप खुद भी फील करेंगे, आपको बेटर फील होगा उससे सारी चीज़ें जब आप अवॉइड करेंगे एनिमल प्रोडक्ट्स को. तो अगर हम उनको नहीं मार के खाएंगे तो उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा. तो सलोनी, हम जो मतलब जो जानवर जो फैक्ट्री फार्मिंग जो होता है वो कैसे होता है कि हमारा जितना डिमांड होता है, अगर हम चिकन मटन के लिए डिमांड करेंगे तो वो वहाँ पे उन एनिमल्स का ब्रीडिंग करेंगे तभी उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा. तो वो हमारे डिमांड की तरह डिमांड को मैच करने के लिए उतना वो ब्रीडिंग करते हैं. अगर हम डिमांड नहीं करेंगे तो वो ब्रीडिंग जबरदस्ती एनिमल्स का करेंगे ही नहीं, तो उनका पॉपुलेशन नेचुरली नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ाया जाता है हमारे लिए. तो जानवरों का पॉपुलेशन ऐसे कभी बढ़ नहीं सकता. अगर हम डिमांड कम करेंगे तो ये पोल्ट्री या फिर ये जो है ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेशली पोल्ट्रीज, डेयरीज, ये सब ब्रीडिंग के लिए होती है एनिमल्स के. सो अगर उनको उनके जैसा नेचुरली छोड़ दिया जाए तो उनका पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा. या एक क्वेश्चन आएगा प्रतीक्षा के तरफ से. Yeah. वो बोल रहे हैं कि हम लोगों कैसे मना करें. ओके, सो देखिए प्रतीक्षा, सबसे पहला पॉइंट हमको ये समझना जरूरी है कि ये ऐसी ही चीज़ हम लोग इंसानों को बता रहे हैं दूसरों को जो बचपन से वो करते आए हैं. बचपन से जो लोग, चलिए जो नॉन वेजिटेरियंस है वो लोग बचपन से नॉन वेज खाते आए हैं, जो वेजिटेरियंस है वो बचपन से दूध या दूध से बनी चीज़ें खाते आए हैं. तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसी चीज़ बोल रहे हैं कि वो हमेशा से जो इतने सालों से करते हैं, तो उनको समझने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे. आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए
ना हम यहाँ पे आपको फोर्स कर रहे हैं कि आपको ये सारी चीजें खाना या बंद करना है, ना आप ऐसे किसी को फोर्स कर सकते हैं कि खाना या देखिए ये डेफिनेटली पर्सनल चॉइस तो है नहीं किसी की कि एनिमल प्रोडक्ट हमको खाना है, क्योंकि किसी के पर्सनल चॉइस में किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, राइट। तो अगर हमारा अगर पर्सनल चॉइस है नॉनवेज खाना तो उसमें जानवरों को नुकसान पहुंच रहा है तो ये हमारा पर्सनल चॉइस हो ही नहीं सकता। तो हम किसी को भी समझा सकते हैं, आप उनको पॉइंट्स रख सकते हैं, जैसे आज हमने आपके सामने पॉइंट्स रखा कि ये सारी चीज़ें हैं जो जानवरों के साथ में हो रही हैं, उससे कैसे हमारे हेल्थ को और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। आप उनको कुछ डॉक्यूमेंट दे सकते हो पढ़ने के लिए, उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे अगर हम लोग कुत्ते और बिल्लियों को मारना गलत समझते हैं तो बाकी एनिमल्स को भी गलत ही ये समझना मारना गलत है, और कैसे उन जानवरों को भी उतनी तकलीफ होती है जितनी हमको तकलीफ होती है। तो अगर हम इस तरीके से लोगों को समझाएंगे, और देखिए वो हो सकता है कि उनको थोड़ा टाइम लगे समझने पर, बट हम अपनी तरफ से कोशिश हमको करनी चाहिए कि पूरी दुनिया में इतनी 8 बिलियन पॉपुलेशन है, हमारे पास लोगों की कमी नहीं है समझाने के लिए। हम हर दिन भी दो दो तीन तीन लोगों से बात करें तो भी इतने सारे लोगों समझाने के लिए कि हम चेंज लाने में हमको टाइम लगने ही वाला है, और हम अपने तरफ से कोशिश कर सकते हैं, उनको हम लोग पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। I guess एक question और है शैलेंद्र सिंह की तरफ से, एक सेकंड। Should I read it out for you and should I answer? Like, let me know. Yeah, so, you can read the question. Okay, so the question is that, the question is by Shailendra. So he is asking that cows are impregnated, right, forcefully, the artificial insemination process. So he is asking, is there any law to stop this? So Shailendra, what is basically? ये सारी जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला आपने बताया, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि ऐसा, इनफैक्ट मुझे या हम एक्टिविस्ट जो हैं जो वॉलंटियर्स हैं हमको भी इसके बारे में आइडिया नहीं था कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। बट ये हो क्यों रहा है, बेसिकली ये डिमांड के कारण हो रहा है। हम लोग मिल्क की जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ाएंगे इनफैक्ट, और ये सारी चीज़ें सब मतलब गवर्नमेंट को भी आइडिया तो है ही इसके बारे में, क्योंकि दूध की क्वान्टिटी अगर पूरे देश में सबको मिलनी चाहिए, सबको पहुँचानी चाहिए, तो आइडिया तो उनका भी है। लेकिन हम लोग अगर अपने तरफ से डिमांड बढ़ाते जाएंगे, इनफैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से तो सब्सिडीज भी मिलती है डेयरी फार्मर्स को, तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपने तरफ से डिमांड बढ़ा रहे हैं। अगर हम लोग डिमांड नहीं बढ़ाएंगे तो जैसे वैभवी ने पहले पॉइंट में बताया था कि उनकी ब्रीडिंग ही नहीं होगी, और ब्रीडिंग के लिए ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज़ किया जाता है जो प्रोसेस है। तो अगर हम लोग डिमांड नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उनकी ब्रीडिंग, क्योंकि नेचुरल तो ब्रीडिंग है नहीं, उनको आर्टिफिशियल तरीके से ब्रीड करवाया जा रहा है, तो ये ब्रीडिंग भी उनकी नहीं होगी, और धीरे धीरे करके जब लोग अपने आप डिमांड कम करेंगे, उनकी पॉपुलेशन भी कम होगी, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आजकल गाँव में भी होता है, शहरों में तो डेफिनेटली होता ही है, गाँव में भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। तो हमको ये बस समझना ज़रूरी है कि लॉ तभी होगा जब लोग ज़्यादा इसके बारे में बोलेंगे। अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन छोड़ देते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ में से अगर 1000 लोग भी अगर जाके गवर्नमेंट को बोलते हैं, तो उससे आपको लगता है क्या कोई चेंज आ पाएगा, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन में सिर्फ 1000 लोग ये चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं। बट ये डिमांड, और हमको अगर लोगों में अवेयरनेस पहुँचाना है, हमको ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचानी है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग अगर अप्रोच करेंगे गवर्नमेंट को तब जाके वो चेंज आएगा। क्योंकि अगर हम लोग डिमांड बढ़ाते जाएंगे तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बंद होने का तो छोड़िए, वो और ज़्यादा बढ़ता ही जाने वाला है। तो यही चीज़ हमको थोड़ा पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। आई गेस क्वेश्चन तो और नहीं दिख रहे हैं मुझे। ओके, सो सचिन, एक स्क्रीनशॉट मुझे लेना है। सो आपने जिन जिन की लिस्ट बताई थी, मैं उन सबको कोबोस बना देती हूँ, सो दैट वो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। Yes, ma'am. जब तक आपको अगर कुछ बोलना है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं सचिन, जब तक मैं कोबोस बनाती हूँ सबको। नमस्कार मैम। हेलो मैम। हेलो। हाँ, मैं डॉक्टर नेहा कल्याणी मैम, आपने अपनी प्रक्रिया करी है, मैं आप सबका आभार करना चाहती हूँ। जीएस महाविद्यालय की तरफ से वेगन आउटरीच संस्था के कार्यकर्ता आस्था गुप्ता मैडम, वैभवी लोणकरे मैडम, हर्षिता शर्मा मैम, इन सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
जिन्होंने हमारे महाविद्यालय के छात्रों के लिए इस तरह के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया और उनकी शंकाओं का समाधान कर उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया। इसी क्रम में हमारे प्राचार्य डॉक्टर एनवाई खंडाई सर का भी आभार करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने की हमें अनुमति दी। डॉक्टर एबी पटले सर और प्राध्यापिका पल्लवी श्रीवास्तव मैम जो हमारी अटेंडेंस लिस्ट में हैं, उनका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपने अथक सहयोग दिए। हमारे वॉलंटियर्स टीम में विशिष्ट रूप से सचिन साहू का आभार करती हूँ जिन्होंने नित्य मैडम के साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयत्न किया। मैम आपका तहे दिल से एक बार और धन्यवाद। अभी हम आपको ही माइक सौंपते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। ये हम लोग एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि कॉलेज की तरफ से हमको एक परमिशन मिली कि हम लोग अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को अवेयर कर सके, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यूथ को अवेयर किया जाए क्योंकि वो आगे जाके ही कुछ बदलाव ला सकते हैं, कुछ रेवोल्यूशन ला सकते हैं, तो यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर कि आपने हमको परमिशन दी पटले सर, एंड थैंक यू सचिन की कोऑर्डिनेट किया आपने ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। सो मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, बस आप लोग अपना वीडियो ऑन करके रखिए जस्ट फॉर अ सेकेंड, मैं वो ले लेती हूँ। इवन अस आस्था, जस्ट फॉर अ सेकेंड इफ यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो। मैम आस्था मैम प्लीज पल्लवी श्रीवास्तव मैम को भी अनलॉक कर दीजिए। ओके मैम एक सेकेंड। हाँ मैं बस अपनी स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। हाँ जी, मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को, स्टूडेंट्स को और हमारी पूरी एनएसएस टीम, आपको सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा और जिस हिसाब से आपने सारे क्वेश्चंस को आंसर किया उसके लिए एक स्पेशल थैंक यू पूरे समस्त जीएस कॉलेज की तरफ से भी। और बहुत ही अच्छा लगा सुन के आपको, और फ्यूचर में भी हम चाहेंगे कि आपके साथ हम ऐसी प्रकार जुड़े रहेंगे और भी एक्टिविटीज करेंगे। एंड थैंक यू मैम मुझे यहाँ पर पैनलिस्ट ऐड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैंने आप लोगों की स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं शेयर कर दूंगी। एंड थैंक यू सर वंस अगेन, थैंक यू नेहा मैम, पल्लवी मैम एंड वैभवी एंड हर्षिता स्पेशली कि उन्होंने मेरे साथ ये कोऑर्डिनेट किया, ज्वाइन किया एंड मुझे हेल्प किया क्वेश्चन आंसर सेशन में भी एक्सप्लेन करने में कुछ कुछ पॉइंट्स जो स्टूडेंट्स को समझे। एंड प्लीज़ आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप लोग हमसे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सचिन के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी चैट बॉक्स में शेयर कर देती हूँ, तो आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो मुझे डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हैं अपने क्वेरीज। मैंने अपना ईमेल आईडी शेयर कर दिया है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 वीक प्रोग्राम है, आपको ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया गया है, तो आपको हर हफ्ते एक एक मेल आता जाएगा, प्लीज़ उसको पढ़िएगा, समझिएगा। एंड बस एक और रिमाइंडर देना था आप लोगों को कि उसके लिए सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा, बट आपको हर एक मेल को ओपन करके पढ़ना पड़ेगा एंड सर्वे फिल करने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको डायरेक्टली आपके मेल पे उसका भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा 10 वीक प्रोग्राम वाला। सो थैंक यू एवरी वन, स्टे सेफ एंड हम लोग आगे भी डेफिनेटली आप लोगों के साथ में ऑर्गेनाइज करेंगे प्रोग्राम फिर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। साइन कर दूंगा, पहले साइन कर दूंगा।